वेलकम बैक टू माय चैनल लव विद प्लांट्स। मैं मैग बेकर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम जिस पर बात करने लगे हैं वो है स्टैगहॉर्न फर्न। इसका एल्कहॉर्न फर्न कॉमन नेम भी है, स्टैगहॉर्न फर्न भी है, क्योंकि इसकी जो शेप है वो ऐसी है कि जिस तरह एल्क आपने देखा होगा उसके जो सींग होते हैं इसकी शेप वैसी है। जब ये बड़ी हो जाएगा, अभी तो ये छोटा सा प्लांट है, मैं लेकर आई। इसकी जीनस है प्लैटिसीवियम और इसकी हायर जो क्लासिफिकेशन जो इसे कहा जाता है वो है, या इसकी जो फैमिली है वो है पॉलीकॉडिएसिया। तो ये इस स्टैगहॉर्न फर्न की अबाउट लाइक 9 डिफरेंट वैरायटीज हैं, जिनमें से एक ये है। ओके, खैर जो मैंने ये लिया इस पर तो लिखा है असॉर्टेड फर्न। तो चलिए बात करते हैं इसकी ओरिजिन के बारे में, ये कहाँ से है और इसे आप किस किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, इसके टेम्परेचर, इसकी ह्यूमिडिटी, इन सब बारे में हम बात करते हैं। ये जो पार्ट है ये इसका कहलाता है एंटलर फ्रॉन्स, और ये इसका है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जो ये पार्ट है ये कहलाता है शील्ड फ्रॉन्स, और इसका रूट बॉल और फिर उसमें रूट बॉल है सॉइल में। इसकी बेस्ट ये ग्रो करता है माउंटेड वॉल माउंटेड में, इस तरह भी ये है मगर मोस्टली जो देखा जाता है ये वॉल माउंटेड प्लांटर्स में ग्रो करता है, या फिर अगर आपने अपने गार्डन में लगाया हुआ है तो लोग मोस्टली इसे अपने दरख्त, अगर कोई है, कोई ट्री है तो उसकी ट्री ट्रंक पे माउंटेड कर देते हैं मॉस के साथ। बहुत अच्छा ग्रो करता है, पानी बहुत कम लेता है, हैरत की बात है। हालांकि फर्न्स जो हैं वो नॉर्मली पानी, इन्हें ह्यूमिडिटी बहुत चाहिए होती है, पानी इसकी रिक्वायरमेंट्स की बहुत कम है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट है, ट्रॉपिकल स्पीसीज है, तो जो नॉर्मली है इसे जो लाइट चाहिए होती है वो इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए होती है। डायरेक्ट सनलाइट इसे नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट चाहिए और ब्राइट लाइट चाहिए। ओके, पानी का इसका ये है, गर्मी के मौसम में इसे आप हफ्ते में एक दफ़ा पानी दें, अगर जिस रीजन में आप रहते हैं वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वीक में एक दफ़ा पानी इज मोर देन इनफ। और सर्दियों में, विंटर में, क्योंकि हर पौधे को पानी कम चाहिए होता है, तो सर्दियों के सीज़न में आप इसे 2-3 वीक में एक दफ़ा पानी दे सकते हैं। पानी देने का क्या तरीका है, आप इसे मिस्ट कर सकते हैं, इसे शावर कर दें, क्योंकि नॉर्मली जो ये पानी अपने इन फर्न्स जो फरीस जो लीव हैं इससे वाटर अब्जॉर्ब करता है, या फिर अपनी रूट से भी कर सकता है, तो आप इसे बॉटम वाटर कर सकते हैं, ऊपर से शावर दे सकते हैं, मिस्ट कर सकते हैं, एनीथिंग लाइक दैट, इट्स ईजी ग्रोइंग प्लांट। अच्छा, ह्यूमिडिटी पे बात करते हैं, अगर आपके घर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यहाँ आपने अपने प्लांट को ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पे ह्यूमिडिटी फायर है, जिस तरह मेरे घर में ह्यूमिडिटी फायर 24 आवर्स ऑन रहता है, तो ये मेरे किचन में है, किचन में भी मैंने सिंक के ऊपर मैंने इसे हैंग किया हुआ है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो मैं इसे, अगर आपकी इसकी लोकेशन ऐसी है जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो फिर इसे आप पानी, जिस तरह गर्मियों में आप हफ्ते में एक दफ़ा दे रहे हैं, तो फिर आप यूँ करें कि 10 दिन में एक दफ़ा दें, जहाँ 7 दिन में एक दफ़ा दे रहे हैं आप फिर 10 दिन में एक दफ़ा कर दें। इसी तरह सर्दियों में जहाँ, अगर ये ऐसी जगह है जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, जिस तरह कि सिंक है, मेरा किचन का सिंक है, क्योंकि पानी का इस्तेमाल रहता है तो उससे पानी एवेपोरेट होता है, ताकि फिर ये सर्दियों में अगर आपके ये ऐसी जगह पर है जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल 50% अबव है, फिर आप ये महीने में सिर्फ एक दफा से पानी दें और मिस्टिंग ना करें। कोई भी प्लांट हो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है कि उसका उसकी सूरत हाल क्या है, वेदर कंडीशन क्या है जहाँ पे आप रहते हैं, और इंडोर है, आउटडोर है। ऑफ कोर्स इंडोर प्लांट्स की वाटर रिक्वायरमेंट आउटडोर प्लांट्स के मुकाबले में डिफरेंट होती हैं। आउटडोर प्लांट क्योंकि सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो वो उन्हें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, हीट ज़्यादा होती है उन्हें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, पर नस्बत ये कि इंडोर प्लांट के, इंडोर प्लांट में जाहिर सी बात है इंडायरेक्ट सनलाइट आती है और हीट इतनी नहीं होती, घर का जो टेम्परेचर है बाहर के टेम्परेचर से डिफरेंट होता है, तो फिर से ऐसे में जो इंडोर प्लांट है उन्हें पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। आप अगर न्यू है प्लांटिंग में तो आपको ऐसा ऐसा खुद लर्न कर लेंगे कि इंडोर प्लांट्स की वाटर रिक्वायरमेंट्स आउटडोर प्लांट्स की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी डिफरेंस होती हैं। अगर आप देखते हैं जैसे कि ये एक नया सा लीफ निकला था, ड्राई हो गया, दिस इज अ साइन ऑफ अंडर वाटरिंग,
दिस इज अ साइन ऑफ अंडर वाटर. अगर इसके एजेस ब्राउन होने लगते हैं तो या इसके जो लीफ हैं वो ढलक जाते हैं, मुरझा से जाते हैं, तो इट्स अ साइन ऑफ कि आप पानी से कम दे रहे हैं. और इसे आप फिर आप जो भी आपका वाटर स्क्रेचुल है आप उसे चेंज करें. अगर आप कम पानी दे रहे हैं इसे पानी दें, ज़्यादा दें. जब भी आप किसी भी पौधे को पानी दें तो पानी इतना दें कि जो पानी है जो इसके ड्रेनेज होल में से बह जाए. ओके, ओवर वाटरिंग का साइन क्या होता है? ओवर वाटरिंग का साइन होता है कि इस पर ब्राउन स्पॉट या ब्लैक स्पॉट आने लगे. ये यहाँ पर ये जो कनेक्टेड है, अगर ये ब्लैक होने लगे, ब्राउन होने लगे, जो एंटलर है ये इसका, इट मीन्स कि आप ओवर वाटर कर रहे हैं और ये गलने लगेगा. गलने लगेगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा. ये जो एंटलर है जो यहाँ अंदर से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से पत्ते निकल रहे हैं जो बेस है, तो इट मीन्स कि आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं. सो यू नीड टू कट डाउन ऑन वाटरिंग. ओके, अब टेम्परेचर की बात करते हैं हम. इसे टेम्परेचर अंडर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट और अबव 100 डिग्री फ़ारेनहाइट सरप्राइजिंगली प्लांट ये हैंडल कर सकता है. कि वुड हार्डी प्लांट भी है और ट्रॉपिकल भी है, यानी कि दोनों टेम्परेचर्स में इट्स ओके, ये सरवाइव कर लेगा. अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है बिलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर जाता है अब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट्स सूटेबल फॉर इट, नो नीड टू वरी अबाउट इट. अच्छा, फर्टिलाइजर की हम बात करते हैं. स्प्रिंग और समर में बेस्ट इज द बेस्ट टाइम टू फर्टिलाइज स्टैगहॉर्न फर्न. और वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर बेस्ट है और इसका रेशियो जो है वो है 1:1, यानी कि 1 लीटर पानी में जो है 1 टीस्पून वाटर फर्टिलाइजर जो होती है वो आप डालें. कुछ लोगों का कहना ये भी है कि आप इसे इस तरह भी फर्टिलाइज कर सकते हैं कि केले की जो छिलका होता है उसका एक टुकड़ा काट के आप यहाँ पर इसके जो यहाँ पर जो शील्ड है इसके करीब आप रख दें तो ये फर्टिलाइजर अपना ले लेगा. आई डोंट नो, मैंने यूज़ नहीं किया है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी. ऐसा ना हो कि वो पता चले कि यहाँ पे फंगस नेट आ गई हैं, तो मैंने यूज़ नहीं किया, मैं प्रेफर नहीं करूँगी. तो स्टैगहॉर्न फर्न की तो जो मुझे नॉलेज थी यही नॉलेज थी मुझे, मैंने आपके साथ शेयर की. आज के लिए बस इतना ही. इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ. करती हूँ, आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इट्स मीन अ लॉट टू मी. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.